प्रश्न है 13.2 का, ठीक, पेज नंबर 268 का तीसरा सवाल देखेंगे। क्या दिया है, एक आयत की रचना कीजिए। आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक, जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या करना, आयत की रचना करना, आयत की रचना करना, ठीक, जिसकी एक भुजा मान लो AB बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, विकर्ण, विकर्ण क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, हो गया। तो सर्वप्रथम आयत का परिभाषा क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो सर्वप्रथम एक भुजा दिया है, एक भुजा का मतलब क्या माने, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, हो गया है? यहाँ क्या है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे चांदी की सहायता से, ए से कितना 90 अंश का कोण बनाएंगे, ए हो गया 90 अंश का कोण, इसको मिला देंगे, ठीक, सर्वप्रथम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। अब उसके बाद क्या दिया है, बिंदु ए से, ठीक, चांदी की सहायता से क्या किया, 90 अंश का कोण बनाए, कोण बनाते किरण ए एक्स दिया, हो गया इतना। अब यहाँ विकर्ण क्या होता है, विकर्ण दो विकर्ण होता है, पहला विकर्ण क्या है ए सी और दूसरा विकर्ण क्या दिया है बी डी। यहाँ विकर्ण हम लोग क्या मानेंगे, बी और डी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ठीक, इसके लिए से नाम लेंगे, यहाँ क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, कहाँ से, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर, मतलब विकर्ण चीज है 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ठीक, एक कटा हुआ भाग क्या हो गया डी। अब इसको आपस में मिला देंगे, बिंदु बी से मिलाएंगे डी से, ठीक, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करेंगे, आयत का परिभाषा क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यहाँ से कितना सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ठीक, बिंदु डी से 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, बिंदु डी से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा, हो गया। और यहाँ नाप लेंगे, यहाँ कितना दिया है ये ए डी, जितने माप का है उतना माप का बी बिंदु बी से चाप काटेंगे, ठीक, जो एक दूसरे को कहाँ काटता है सी पर। अब क्या करेंगे, बी को किससे मिलाएंगे सी से, बी को सी से और सी को किससे मिलाएंगे डी से, सी को डी से, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ 5 सेंटीमीटर, हो गया। इस प्रकार आयत ए बी सी डी की रचना की। सर्वप्रथम क्या किया, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, बिंदु ए से चांदी की सहायता से कितना 90 अंश का कोण बनाते हैं किरण ए एक्स खींचा। अब विकर्ण क्या किया है, बी डी, बिंदु बी से कितना 5 सेंटीमीटर का किरण ए एक्स पर चाप काटा है, जो डी बिंदु पर काटता है, ठीक, उसके बाद बिंदु डी से क्या किया 3 सेंटीमीटर का चाप काटा और बी से ए डी के माप का चाप काटा, जो एक दूसरे को कहाँ मिलाता है सी पर। इस प्रकार आयत ए बी सी डी की रचना की। चौथा दिया है, चौथा क्या दिया है, एक सम चतुर्भुज की रचना करना है, ठीक, जिसका सम चतुर्भुज की रचना, सम चतुर्भुज की रचना करना है, ठीक, जिसकी दो विकर्ण कितना दिया है क्रमशः ए सी विकर्ण, तो पहला विकर्ण, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है ए सी, ए सी का मान कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या होता है बी डी, बी डी बराबर कितना होता है 6 सेंटीमीटर,
हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचेंगे, 4.5 चार से पांच हो गया इतना, एक आ गया सर्वप्रथम ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचे। ठीक, अब एसी का लंब सम विभाजन करेंगे, एसी का लंब सम विभाजन मतलब आधा से अधिक दूरी लेके चाप काटेंगे। एसी का लंब सम विभाजन किया, बिंदु ए से चाप काटा, ठीक, और फिर सी से हो गई। अब ए और दोनों जो लंब सम विभाजन दोनों को मिलाएंगे, ठीक, एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ऊपर। एसी को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ऊपर। सर्वप्रथम विकर्ण एसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, एसी का लंब सम विभाजन किया, जो एसी को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ऊपर। दूसरा विकर्ण क्या किया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो बिंदु ओ से 6 सेंटीमीटर का बी डी बराबर दो बराबर भागों में बांट दिया है, कितना आ जाएगा, 6 को किससे भाग देंगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब ओ को केंद्र मानकर कितना, 3 सेंटीमीटर का छाप काटेंगे, ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का छाप काटेंगे, एक छाप यहाँ काटा और दूसरा छाप 3 सेंटीमीटर का छाप काटेंगे, क्या हो गया, बी, और ये क्या क्या कटा हुआ था, सी। अब ए को किससे मिलाया गया है, बी से, ए को किससे मिला है, बी से, ठीक, बी को किससे मिला है, सी से, सी को किससे मिला है, डी से, ठीक, और डी को किससे मिलाया गया है, ए से। इस प्रकार समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना हुई। सर्वप्रथम एसी बराबर, सर्वप्रथम विकर्ण एसी बराबर 4.5, यहाँ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, ठीक। एसी का लंब सम विभाजन किया गया, ठीक, जो एसी को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पर। अब ओ से बिंदुओं को केंद्र मानकर 6-3 सेंटीमीटर का ऊपर और नीचे 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब क्या करेंगे, ए को बी से, बी को सी को डी से और डी को ए से मिलाए। इस प्रकार समचतुर्भुज ए बी सी डी की रचना की।